हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस अगर आप भी जो है इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो गाइस आपको करना कुछ नहीं, बस आपको जो है इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और गाइस अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखते तो आपको जो है गाइस वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो आपको एंड तक देखते रहना है। और गाइस अगर आपके पास अगर ये एप्लीकेशन नहीं है काइंड मास्टर, तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस डाउनलोड करने में या एडिटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही दिक्कत आ रही है तो आप हमें डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए मैंने ऑलरेडी अपने जो है काइंड मास्टर ओपन कर रखा है, और देन ओपन करने के बाद यहाँ पे करना क्या है, जहाँ से हमें करना कुछ ही नहीं है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। और देन यहाँ से देखिए मैंने प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री प्रोजेक्ट मिल जाएगा। यहाँ से हमें करना क्या है, जो सेकंड प्रोजेक्ट जो दिख रहा है 9:16 इस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से सेलेक्ट कर लेने के बाद करना क्या है, यहाँ से हमें सबसे पहले तो करना है मीडिया पे क्लिक, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आप जिस फोटो पे मतलब वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ से आपको एग्जांपल के लिए कुछ का फोटो जो है सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। तो पहले फोटो सेलेक्ट करने से पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एडिटिंग पे आना है। और ये जो है प्रोजेक्ट, ये जो फोटो डायरेक्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको कर लेना है, ये 2.0 कर लेना है, और ये कर लेना है पूरा फुल स्क्रीन। उसके बाद यहाँ से यस करेंगे। अब यहाँ से फोटो सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से चले मैं एक फोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। चलिए कुछ इस तरीके फोटो मैं यहाँ से देन ऐसे आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो यहाँ से ऐसे कुछ का फोटो जो है ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ से चलिए मैंने ये सारे फोटो सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए फोटो सेलेक्ट हो गया। अब करना क्या है, यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ से फोटो हो गया है। अब फोटो पर क्लिक करके इसके साइज को ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, आप छोटा अगर करना चाहते हो तो ऐसे आपको छोटा भी कर लेना है। तो फिलहाल मैं ऐसे यहाँ से ऐसे छोटा छोटा कर ले रहा हूँ, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ऐसे यहाँ से छोटा कर लेंगे, यहाँ से आप जितना फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो तो उतना फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब फोटो को छोटा कर लेने के बाद करना क्या है, यहाँ से फर्स्ट में खिसकाना है, फर्स्ट में खिसकाने के बाद करना है लेयर पर क्लिक, फिर मीडिया पे, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद करना क्या है, जहाँ से हमें एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब करना है यहाँ कैंची के बगल वाले आइकन पर क्लिक, और देन इसके साइज को कर लेने के, यहाँ से पूरा फुल स्क्रीन। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद नीचे खिसकाना है, और गाइज नीचे खिसकाने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की, देन इस पर क्लिक करेंगे और इसे कर लेंगे इनेबल। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ से आपको जो वीडियो ऐसे यहाँ पे हो चुका है। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ से आप एडजस्ट ऐसे कुछ इस तरीके से कर लीजिएगा। तो दिन यहाँ से मैंने एडजस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ तो खो गया। अब यहाँ तो खो जाने के बाद करना है गाइस इस पर, और इसे यहाँ से कर लेना है गाइस, यहाँ से हमें पूरा शेयर पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। ये देखिए गाइस एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद करना है फिर प्लस पे क्लिक, प्लस पे क्लिक करने के बाद फिर वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, 9:16 वाला प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद करना है कि यहाँ से गाइस यहाँ से हमें कुछ और कुछ पिक्चर्स जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से चलिए मैं एक गर्ल पिक्चर सेलेक्ट कर लेना होगा आपको, यहाँ पे जो गर्ल पिक्चर ऐड करना चाहते हो उसी गर्ल पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से कुछ का गर्ल पिक्चर जो है यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह के पिक्चर, देन यहाँ से ऐसे ऐसे मैं यहाँ से फोटो ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए इसे यहाँ से ऐसे डबल कर दे रहा हूँ, है ना। बस इतना ही पे आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से जिस फोटो को सिलेक्ट करना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब फोटो के भी साइज़ को छोटा कर लेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, ऐसे फोटो के साइज़ को भी आप छोटा कर सकते हैं ना। तो ऐसे छोटा यहाँ पे कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब ये रह गया इसके भी साइज़ को यहाँ से गए हमें छोटा कर लेना। ये देखिए ये लास्ट फोटो आ गया, इसके साइज़ को छोटा हो गया। उसके बाद करेंगे लेयर पर क्लिक, फिर मीडिया पे, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गए काइंड मास्टर से जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को यहाँ से हमें कर लेना है गए यहाँ से सिलेक्ट। तो ये रहा था गए वीडियो हमारा, देन मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब देख सकते हैं, सॉरी ये नहीं, यहाँ से दूसरा वीडियो होगा। तो यहाँ से आएंगे और गाइज ये कुछ इस तरह के वीडियो है, देन यहाँ से ये मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह के वीडियो है। अब करना है इस पर क्लिक, और इसके साइज़ को तो पहले इधर घिसका लेना है, घिसकाने के बाद करना है इस पर क्लिक, और यहाँ से कैंची के बगल का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और देन यहाँ से इसे कर लेंगे पूरा फुल स्क्रीन। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद कर लेंगे यहाँ से क्रोमा की पे क्लिक करेंगे, देन इसे इनेबल कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इनेबल हो गया। अब इसके यहाँ से हमें थोड़ा एडजस्ट करना होगा, तो ऐसे यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से जो है एडजस्ट एस्टेक कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से यस कर देंगे। अब इस फोटो पर क्लिक करेंगे, और फोटो को भी यहाँ से अगर जिस तरह आप एडजस्ट करना चाहते हैं उस तरीके से ऐसे अपने उंगली की मदद से जूम करके एडजस्ट कर सकते हैं, और देन ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए अब इस फोटो को एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसको भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से वीडियो ऐसे बन के तैयार हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे,
यहाँ तो खो गया। अब यहाँ तक कर लेने के बाद करना है कि लेयर पे क्लिक, फिर मीडिया पे, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से गए हमें जो है टेम्पलेट वीडियो ऐड कर लेना, जो कि कुछ इस तरह का टेम्पलेट वीडियो है। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। अब करना है इस पर क्लिक, इसके साउंड को तो पहले म्यूट करेंगे, फिर बैक आना है और इसके साइज को यहाँ से कर लेंगे पूरा फुल स्क्रीन। उसके बाद यहाँ से यस करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और आएंगे नीचे ब्लेंडिंग पे और ये कर लेंगे स्क्रीन। उसके बाद यहाँ से यस करेंगे, अब फिर करेंगे लेयर पे क्लिक मीडिया पे, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कर लेंगे कलरफुल वीडियो को सिलेक्ट। ये रहा कलरफुल वीडियो, देन ये सिलेक्ट हो गया। अब करना है इस पर क्लिक, इसके साइज को कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे, फिर नीचे आएंगे ब्लेंडिंग पे और ये कर लेंगे स्क्रीन। उसके बाद यहाँ से यस कर देंगे। अब यहाँ से गाइस हमारा वीडियो जो बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। अब इस यहाँ से सेव करने के लिए करना कुछ नहीं, देन यहाँ से आपको जो है इस शेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, फ्रेम रेट ये 30 सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। यहाँ से देख सकते हैं वीडियो जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।